Hey everyone, I'm Shilpi. Welcome or welcome back to my channel and welcome to another video. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिव मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है यूजिंग वेरी अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ईजी टू यूज प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे बिगनर फ्रेंडली हैं तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखना एंड आप लोग के ये वाला मेकअप लुक बहुत काम आने वाला है फॉर दिस फेस्टिव सीजन वेडिंग सीजन एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इस मेकअप लुक को क्रिएट करना एंड मैं आज बहुत दिनों के बाद एक मेकअप लुक लेके आई हूँ. आई होप आपको पसंद आया होगा एंड यस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप. सो क्यूटीज दिस इज माई बिफोर फेस एंड मैंने ना फेस वॉश कर लिया है एंड साथ ही साथ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर लिया है एंड दिस इज हाउ माई फेस लुकिंग बिफोर मेकअप. अब चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विथ लैक्मे ल्यूमी क्रीम एंड ये मैंने अभी न्यू ही परचेज किया है. इसके मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज चेक किए थे तो मैंने कहा चलो मैं भी परचेज करके देखती हूँ क्योंकि मेरी स्किन टाइप जो है ऑयली है तो मैंने समर्स में इसको अवॉइड किया था बट अभी विंटर्स आ गए हैं तो थोड़ा सा फ्लीकीनेस वगैरह लगने लगा है मेरे फेस पे तो मैंने कहा कि चलो दिस इज द राइट टाइम एंड जैसे ही मैंने फर्स्ट स्ट्रोक लगाया ओ माय गॉड लुक एट द ग्लो. काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है आपके फेस को साथ ही साथ एक अच्छा सा शीन ग्लो प्रोवाइड करता है बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन और एनी मेकअप बेस एंड उसके बाद मैं करने वाली हूँ कलर करेक्ट. देखो मेरे फेस पे इस टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे दाग धब्बे हो गए हैं. आई डोंट नो कैमरा पे आपको एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बट इन रियल मेरे काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं मेरे फेस पे ड्यू टू जब भी मेरा प्रेगनेंसी हुआ था ना उस टाइम पे मुझे बहुत सारे मिलाजमा वाले जो है ये सारे इफेक्ट्स आ गए थे मेरे गालों पे हर जगह पे तो उसके ना निशान रह ही गए हैं लाइक धीरे धीरे चले जाएंगे बट अभी बहुत सारे निशान हैं तो उन सबको ना डार्क स्पॉट्स को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पे ये कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर. अगर आपकी स्किन टोन ना मीडियम टू डार्क है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करो. अगर आपकी स्किन फेयर हो लाइक बहुत ज़्यादा फेयर हो तो आप उस टाइम पे पीच कलर करेक्टर पे जा सकते हो. एंड ये जो स्पॉन्ज है ना ये भी मेरा न्यू परचेज है. न्यू परचेज का ना जो भी हॉल है लाइक मेरा मेकअप हॉल वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा तो उस इन सब चीज़ों के बारे में मैं उसी में अच्छे से बात करूंगी डिटेल में कि लाइक किस ब्रांड का प्रोडक्ट है. एंड काफ़ी अच्छा स्पॉन्ज निकला अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरा करेक्टर एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर फ्रॉम द सेम पैलेट जो कि मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का पैलेट खरीदा था एंड इसी में से ही मैंने ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ किया है. मेरे पास इसका ना एक और पैलेट है तो उसमें ग्रीन कलर्स भी हैं आई थिंक ग्रीन और पर्पल कलर भी है तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट करने के काम आएगा. एंड ये देखिए कितना अच्छा ब्लेंडेबिलिटी है इस कंसीलर का काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया. तो कलर करेक्टर अप्लाई करने के बाद मैंने अप्लाई किया है कंसीलर जहाँ जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है लाइक कलर करेक्टर आप अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन अगर अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा सा लुक नहीं आएगा. सो अगर आपको कलर करेक्टर को टोन डाउन करना है थोड़ा सा उसके बाद आप कंसीलर अप्लाई कर लो. एंड ये ना मैं आपको एक हैवी मेकअप लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ जो कि आप फेस्टिव सीजन पे वेडिंग सीजन पे छोटे मोटे फंक्शन पे आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. एंड जैसे ही मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा एक बेस क्रिएट हो गया है. आप चाहो तो इसी पे स्टॉप करके जस्ट फेस पाउडर अप्लाई करके या फिर कोई भी लूज पाउडर अप्लाई करके अपने मेकअप को सेट कर सकते हो बट मैं अभी यहाँ पे फाउंडेशन भी यूज़ करने वाली हूँ. सो फाउंडेशन भी आज मैं पहली बार ही यूज़ करने वाली हूँ. ये मैंने फेसेस कैनेडा का अभी मेरा न्यू परचेज है फाउंडेशन तो कलर शेड थोड़ा सा मुझे लाइट लगा मेरे स्किन टोन के हिसाब से बट आप अभी ना ब्लेंड करके इसको देखोगे तो काफ़ी अच्छे से मिक्स एंड मैच हो जा रहा था क्योंकि मैंने अपने फेस को अच्छे से कलर करेक्ट किया था ना और इसकी ब्लेंडेबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इस फाउंडेशन की कवरेज भी अच्छा खासा दे रहा है लाइक आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो आप इस वाले फाउंडेशन को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. एंड इसको ना आप मतलब बिल्ड भी कर सकते हो लाइक जितना कवरेज आपको चाहिए एक बार के बाद दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो. एंड इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है ना बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं चल रहा लाइक बिल्कुल केकी वगैरह नहीं लग रहा है. मेरा फेस काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है. आई डोंट नो ये ब्यूटी ब्लेंडर का कमाल है या फिर फाउंडेशन का कमाल है एंड साथ ही साथ जो कलर करेक्टर वगैरह मैंने किया है ना उन सब चीज़ों का कमाल है. एंड देखो फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा हाईलाइटिंग की ज़रूरत है इन माई अंडर आईज़ तो
मैंने वहां पे ना एकदम लाइट कलर का कंसीलर यूज किया है, सेम पैलेट, ये बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है गाइस, इसमें कई सारे शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो अपने फेस को यूजिंग दिस कंसीलर, करेक्ट कर सकते हो कलर, तो काफी अच्छा अफोर्डेबल पैलेट है, आई थिंक 200 के अंदर अंदर ही मिल जाता है। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस इफ यू वांट तो आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड दिस लूज पाउडर इज माई एवरीथिंग गाइस, मेकअप में ना मेरे पास अगर मैं एक चीज रखना चाहूंगी तो ये वाला लूज पाउडर, मैं इतने दिनों से यूज कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए मुझे इस लूज पाउडर को यूज करते हुए, ऑन एंड ऑफ मैं रेगुलर इसको यूज कर रही हूँ, लाइक मेरे पास कोई और कॉम्पैक्ट कोई फेस पाउडर नहीं है, मैं इसको बहुत तरीके से यूज करती हूँ, लाइक विदाउट मेकअप भी मैं इसको यूज कर लेती हूँ ऐसे रेगुलर बेसिस पे, या फिर मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज करती हूँ, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज होता है और काफी अच्छे से वर्क करता है, एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं इस लूज पाउडर के, और साथ ही साथ मैंने ये पाउडर पफ भी न्यू परचेज किया है अमेजोन से ही, ये भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। एंड ये इस तरीके से हमारा जो बेस मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस, एंड अभी हम लोग ना इन सब चीजों को सेट कर लेंगे ये स्प्रे की हेल्प से, लाइक मेकअप फिक्सर स्प्रे, ये मैंने फेसेस कैनेडा का यूज किया है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं एंड वर्क भी उसी तरीके से कर रहा है, लाइक बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल है, आपके जो भी मेकअप है ना उसको मेल्ट करके एकदम मिक्स एंड मैच कर देता है आपके स्किन टोन के हिसाब से। एंड उसके बाद अब बारी आई है आईब्रोज की, आईब्रोज के लिए मैं कोई भी आईब्रो पेंसिल या फिर कुछ ब्राउ पोमेड ये सारी चीजें नहीं यूज करती हूँ, मैं जो स्विस ब्यूटी का एक आई शेडो पैलेट है, डार्क आई शेडो पैलेट, उसमें से ही डार्क ब्राउन शेड लेती हूँ, न्यूड आई शेडो पैलेट है ये वाला, एंड उसी से ही मैं डार्क जो शेड है ना वो यूज करती हूँ अपने आईब्रोज के लिए। एंड आईब्रोज करने के बाद मैं चली गई हूँ आईज पे, आईज पे मैंने सबसे पहले पीच कलर से अपने क्रीज को क्रिएट किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक डार्क पीच कलर लिया एंड उसको भी मैंने अपने क्रीज पे ही अप्लाई किया है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आई रखने वाली हूँ, एंड ये वर्सेटाइल आई मेकअप है फॉर इंडियन लुक। एंड यहाँ पे मैंने एक शिमर शेड लिया, लाइक रोज गोल्ड शिमर शेड लिया है दूसरे पैलेट से, सारे पैलेट्स भी मैं टैग कर दूंगी इन केस यू वांट, इसमें ना काफी अच्छे पिगमेंटेड शेड हैं, तो मैंने ना इसमें से गोल्डन शेड जो है वो अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाया, एंड दैट्स इट, मैंने लगा लिया था लाइनर ऑफ कैमरा एंड फिर भर भर के मैंने मस्कारा लगाया। अभी देखो ऑप्शनल है आपको फॉल्स लैसेस लगाना, अगर आपके लैसेस ज्यादा नहीं है तो आप फॉल्स लैसेस लगा सकते हो, एंड अगर आपके लैसेस ठीक ठाक है मेरी तरह तो आप लैसेस मतलब स्किप भी कर सकते हो। अभी मैंने लोअर लैसेस में ना ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्मज कर दिया है नीचे, एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्लश। ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है ये 3-in-1 पैलेट फ्रॉम सुगर कॉस्मेटिक, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पैलेट है, मस्ट हैव है फॉर वेडिंग एंड फेस्टिव सीजन। इसमें आपको 3 चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर। इसमें कई सारे शेड रेज अवेलेबल हैं, मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए आप 03 पैलेट ले सकते हो, 02 ले सकते हो, 01 पैलेट मत लेना, वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के लिए ही यूज़ होता है। एंड ब्लश का आप कलर देखो काफ़ी ज़्यादा मॉप पिंक कलर है, एकदम चटक भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, इंडियन स्किन टोन पर बहुत प्यारा लगता है। एंड इसका जो हाइलाइटर है वो शैम्पेन गोल्ड कलर में है, जो कि अगेन इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। सो हाइलाइटर मैंने जहाँ पे मेरे हाई पॉइंट्स थे वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। लिपस्टिक के लिए मेरे पास 2 शेड्स थे जो कि अगेन मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक के अभी न्यू परचेजेस हैं, एंड आज मुझे रेड लगाना था तो मैं ये रेड कलर ही ले रही हूँ। इसका जो शेड वगैरह होगा ना वो मैं लिंक कर दूंगी पिन, तो आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यार इसका वॉन्ड मुझे बहुत ही प्यारा लगा, लाइक इस लिपस्टिक का वॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके कई सारे शेड्स हैं मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक के, एंड मुझे इसके पिगमेंट एंड इसकी जो स्टे क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी लाइट वेट फॉर्मूला है इसका लिपस्टिक का, आपके लिप्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है, काफ़ी देर तक चलता भी है एंड रीअप्लाई करने के बाद ख़राब भी नहीं होता है। उसके बाद ये हमारा जो मेकअप है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस, मैंने लगा लिया है बिंदी एंड उसके बाद मैंने हेयर डू कर लिया है, एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैंने हेयर डू किया है, जस्ट बालों को ओपन कर लिया है एंड उसके बाद मैंने लगा लिया है हेयर बैंड जो कि मेरा न्यू परचेज है, एंड इस तरीके से मेरा इंडियन मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, एंड आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पे। एंड यस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।